हार्दिक स्पोर्ट्स चैनल में सभी दोस्तों को खुशामदीद। जी दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इंडियन क्रिकेटर जो हैं वो कितनी सैलरी वसूल करते हैं, उनकी महाना सैलरी क्या बनती है, एनुअल क्या बनती है, और उनकी सैलरी में पाकिस्तान के बनिस्बत कितना डिफरेंस है। जी दोस्तों, पहले बात करते हैं ए प्लस कैटेगरी की। इस कैटेगरी में विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, जसप्रीत बुमराह हैं और रविंद्र जडेजा हैं। ये चार खिलाड़ी ए कैटेगरी में आते हैं। और इनकी अगर हम एनुअल सैलरी की बात करें, सालाना सैलरी की बात करें, तो 7 करोड़ रुपया वसूल करते हैं ये खिलाड़ी। और अगर पर मंथ की बात की जाए तो ये खिलाड़ी 57 लाख रुपया पर मंथ का वसूल करते हैं। जबकि इनके मुकाबले में पाकिस्तान की ए प्लस कैटेगरी जो है उसकी मैक्सिमम सैलरी जो है वो 15 लाख रुपये है। अब हम ऐसे 5 खिलाड़ियों का जिक्र करते हैं जो एनुअली 5 करोड़ रुपया वसूल करते हैं और इनको ए कैटेगरी में रखा गया है। इन खिलाड़ियों में हार्दिक पांड्या हैं, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत और अक्षर पटेल। ये 5ों खिलाड़ी जो हैं ए कैटेगरी में शामिल हैं और सालाना 5 करोड़ रुपया वसूल करते हैं। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिनको बी कैटेगरी में रखा गया है और वो सालाना 3 करोड़ रुपया वसूल करते हैं। इन खिलाड़ियों में चेतेश्वर पुजारा हैं, केएल राहुल, सुरेश अय्यर, मोहम्मद शमी, सूर्य कुमार यादव और शुभमान गिल शामिल हैं। ये वो 6 खिलाड़ी हैं जो सालाना 3 करोड़ रुपया वसूल करते हैं। अब बात कर लेते हैं उन खिलाड़ियों की जिनको सी कैटेगरी में रखा गया है। सी कैटेगरी में जिन खिलाड़ियों को रखा गया है वो सालाना 1 करोड़ रुपया वसूल करते हैं। जिन खिलाड़ियों को सी कैटेगरी में रखा गया है वो सालाना 1 करोड़ रुपया वसूल करते हैं। उनमें उमेश यादव हैं, शिखर धावन हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, ईशन किशन हैं, दीपक हुडा हैं, युजवेंद्र चहल हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं और संजू सैमसन हैं, अर्शदीप सिंह हैं और भारत हैं। दोस्तों, ये सी कैटेगरी के वो खिलाड़ी हैं जो सालाना 1 करोड़ रुपया वसूल करते हैं। दोस्तों, ये वो सैलरीज हैं जो मैच फीस से अलहदा हैं। टेस्ट मैच, वनडे मैच और T20 मैच की फीसें जो हैं वो इनके अलहदा से होती हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीमों की बात की जाए तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है सैलरीज में। सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।